मल त्याग के बाद में टॉयलेट से निकलकर योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ये सब करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि स्नान कर लेते हैं और उसके बाद में फिर योगा करते हैं। तो मान लो अभी स्नान कर रहे हैं आप, अभी टॉयलेट में हैं, हमने अभी आपको सुबह उठाया, रात को जब सुलाया था, फिर सुबह उठाया, फिर सब चार नियम पानी के फॉलो किए, फिर टॉयलेट में भेजा, टॉयलेट में आपने दांत मींचे, मल त्याग हुआ, मूत्र त्याग हुआ, अब आप स्नान कर रहे हैं मान लो। तो टॉयलेट की बात बताता हूं कि गर्म पानी से अगर आप स्नान कर रहे होंगे तो सबसे पहला पानी आप पैर पर डालेंगे, फिर घुटनों पर डालेंगे, फिर ऊपर ऊपर करते हुए फिर आएंगे और सर के ऊपर गर्म पानी डायरेक्ट नहीं डालेंगे। स्नान करने के नियम, स्नान करने का क्या नियम है, गर्म पानी से अगर स्नान कर रहे हैं तो नीचे से शुरुआत करेंगे, ऊपर तक आएंगे। मगर ठंडे पानी से अगर शुरुआत कर रहे हैं तो आप ऊपर से शुरुआत करेंगे, सर के ऊपर सबसे पहला ठंडा पानी डालेंगे, फिर कंधों के ऊपर डालेंगे और फिर नीचे आएंगे। ठंडा पानी से स्नान कर रहे हैं तो ऊपर से नीचे, गर्म पानी से कर रहे हैं तो ऊपर से नीचे से ऊपर। अब मैं आपको एक कहावत जो और देश में चलती है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, पैर गरम पेट नरम। पैर गरम, पैर हमेशा गरम होने चाहिए। देखो कभी भी किसी को मूर्छना आ जाती है या वो गिर जाता है तो हम उसके पैरों को घिसते हैं, तो क्या करते हैं, गर्म ही तो करते हैं, क्योंकि ठंडी बॉडी को कभी भी कोई घर में रखेगा नहीं, चाहे वो आपका बेटा हो, चाहे वो आपके पिताजी हो या माता जी हो, बोलेंगे ठंडी होगी बॉडी, निकालो जल्दी जल्दी ले जाओ जला दो। ठंडी चीज को, ठंडी बॉडी को जो हो गई, पूरा शरीर ठंडा पड़ गया, उसको कभी भी घर में नहीं रखते कोई, वो कितने भी हमारे खून के रिलेटिव्स क्यों ना हो। तो पैर हमेशा गर्म होने चाहिए, ठीक है। तो पैर गर्म पेट नरम, मतलब पेट साफ। पैर गर्म पेट नरम सर ठंडा। किसी को अगर गुस्सा आ गया है, बोले यार इसका टेम्परेचर बढ़ गया है, ये इसको ब्रेन हैमरेज हो सकता है, बोले सर ठंडा। तो पैर गर्म पेट नरम सर ठंडा, बोले गुस्सा मत करो, ठंडे रखिए, ठंडे हो जाइए, ठंडा रखिए। सर अगर टेम्परेचर भी हो गया और हमको अगर बुखार आ गया तो भी हम देखिए सर के ऊपर पट्टियां रखते, सर को ठंडा करते, दिमाग को ठंडा करते। तो पैर गरम पेट नरम सर ठंडा, और फिर भी अगर डॉक्टर आए तो मारो डंडा, समझ गया आप। गुलाबी होने तक बजा रहे ना ताली, हाथों को चेक करते रहिए गुलाबी हो रहे कि नहीं। कुछ लोगों के जो हाथ है वो ऑलरेडी गुलाबी हो गए,